आज मनोहर कांशीराम जी की हमें एक बात याद आती है, सापनाथ नागनाथ को मानने के लिए नौनाथ बनना पड़ता है। सापनाथ नागनाथ जिन दो पार्टियों को कहा था उसमें से एक पार्टी के साथ आप रह चुके हैं। कुछ भी करके जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे, चुनावी गड़बड़ियां और चुनाव के बाद जो हमने बाकी राज्यों में देखा जोड़ तोड़, वो कर लिया योगी जी ने, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए ये हम जानते हैं कि गोरखधंधा के लोग माहिर हैं। योगी जी से डर नहीं लगता आपको? वारंट जारी हो गया था आपका पार्टी छोड़ते ही, उधर से मोदी जी कुछ इशारा कर दिए तो फिर देख लीजिए। नहीं, जो डरने वाला अगर कोई डरा तो मरा। ये है योगी सरकार अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। तो उस दौरान जब आप सरकार में बने हुए थे तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में थे तो उनसे ये बात भी की होगी, तो क्या रवैया था मुख्यमंत्री? देखिए पाप का भांडा फूका, 5 साल वो पाप की हांडी तो आप भी लेके चल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े मैनेजमेंट मैनेजर भी हैं, संभलने का मौका मिल जाता है, उनको खड़ा होने का मौका मिला। जहर का इलाज जहरी होता है, एंटीडोट बनाना पड़ेगा, फिर बकवाड़ी की ओर ले जाना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको 2017 के चुनाव से पहले समझ में नहीं आई थी? असली चेहरा तो उनका तब आया ना। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र का सपना, राम राज का सपना, सवर्ण ब्राह्मण समाज, वो सपने को छोड़ के आपके साथ आएगा? देखिए दो चीजें, वो हमारे साथ आएगा, 2007 वाला समीकरण बनाए हैं, दलित ब्राह्मण मिलके सरकार बनाएंगे। देखिए मनिया बहन जी क्या कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है। बहन जी के साथ गया सरकार बनाई, उस पर बहन जी ने प्रतिक्रिया दी कि वो कौन होता है मुझे बनाने वाला, उसको तो मैंने बनाया हूं, कभी अपने आप से एक चुनाव नहीं जीते। नहीं वो सही है, वहां बनाया मुझे। योगी जी भी तो ऐसा ही करते थे, योगी जी को भी वही दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि अखिलेश यादव बदनाम रहे हैं, अगर आपकी सरकार बनी और आपका ये गठबंधन एंटी दलित हो गया तो एक मुख्यमंत्री को जितनी मेच्योरिटी होनी चाहिए थी उसमें नहीं थी। आप जो हैं अभी अपनी पुरानी जो सीट है पडरौना, वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, आरपीएन सिंह कह रहे डर गया। वो राजा साहब को तो मैंने पानी पिला गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। द न्यूज वीक की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ जो हस्ती हैं उसे आप पहचान चुके होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री रहे और यूपी चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी नाम की चर्चा हो रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की रही है, क्योंकि आखिरी दिनों में जो झटका बीजेपी को इनसे मिला है वो चुनाव में क्या असर करने वाला है, क्या रणनीति है, क्या माहौल है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। तो सर सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चुनाव चल रहे हैं, बहुत गर्मी है, कैसा माहौल है, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बारी बारी से सभी का शोषण किया, उनके साथ हकलफी की, चाहे वो किसान विरोधी बिल रहा हो जिसके नाते सालों साल किसानों को खुले आसमान के नीचे धरने आंदोलन पर बैठना पड़ा, 15 बार बैठ होने के बावजूद भी सरकार का दिल नहीं पसीजा, चुनाव की हार सुनाई पड़ी, इंजनधार किसान ने डर सताने लगा, आने पौने में किसान बिल भी वापस हो गया, बिना किसान से वार्ता की है। वहीं पर दूसरी ओर दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार आरक्षण के साथ भोंडा मजाक किया गया, यूं कहिए कि आरक्षण व्यवस्था को अधीर की तरह पूरा निगलने का काम किया। अभी अभी हाल में ही चुनावी घोषणा के कुछ दिन पूर्व 69,000 शिक्षकों में भर्ती हुई थी जिसमें 19,000 आरक्षित पदों पर इन्होंने अपने चेहरों को बैठा दिया और साथ ही साथ बिना किसी आवेदन के मांगे और बिना किसी विज्ञापन निकाले उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए एक प्रस्ताव लाया कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी
उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ष से भर लिया जाए। मैंने कैबिनेट में कड़ी आपत्ति दर्ज की, यद्यपि उस समय मुख्यमंत्री भी लाजवाब थे, विभागीय प्रमुख सचिव भी लाजवाब थे। हमने उनसे सवाल किया, आपने विज्ञापन कई बार निकाला, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार निकाला, उत्तर आया एक बार भी नहीं। उस पर पूरे कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। मेरे आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव को डांट भी पिलाई, डांट तो पिलाई लेकिन उस प्रस्ताव को स्थगित नहीं किया। नतीजा हुआ कि उसी प्रस्ताव के आधार पर पिछले 8 महीने से लगातार सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, एक भी अनुसूचित जात का नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात का नहीं, एक भी पिछड़ा का नहीं, एक वर्ग विशेष के, जो मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं या उनके संकट कोई और दूसरा है। इसी प्रकार से संविधान में एक व्यवस्था है कि जहां आरक्षित पद न पूरे हुए हों, बैकलॉग के माध्यम से ऐसी भर्तियों को पूरा किया जाए। पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में इस व्यवस्था की अनदेखी कर इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती का बैकलॉग लगाया और 54 पदों पर मुख्यमंत्री जी अपने चहेतों को उस पर बैठाने का पाप कर रहे हैं। एक भी अनुसूचित जात नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। यह है योगी सरकार अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने का दे। इसके साथ ही साथ हमने संशोधन मंत्री रहते कैबिनेट में भी और अकेले व्यक्तिगत भी माननीय मुख्यमंत्री से कई बार कहा कि आउटसोर्सिंग भर्ती व्यवस्था यह शोषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इससे बेरोजगार नौजवान ठगी के शिकार हो रहे हैं, इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, सीधे भर्ती किया जाए। आप नहीं नियमित भर्ती करते तो संविदा पर कर ले, लेकिन आउटसोर्सिंग मिडिलमैन के रूप में ये सरकार के भी पैसे को बड़े पैमाने पर गोलमाल कर रहा है और बेरोजगार नौजवानों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर लेन देन कर रहा है। पीएफ और ईपीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा, पीएफ और ईएसआई का पैसा जो एम्प्लॉई के खाते में जाना चाहिए वो भी ये निकल जा रहा है। यानी दोहरा शोषण चल रहा है, सरकार के पैसे का भी गोलमाल और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो एम्प्लॉई है उसको भी अपने पौने देकर के निपटाने का काम, और अगर वो अपना हक की मांगता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो आप तो जो बातें गिनवा रहे हैं ये पूरे 5 साल के दौरान रही हैं, ये एक बार तो नहीं हुई, 5 साल में होता रहा जी। तो उस दौरान जब आप सरकार में बने हुए थे तो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में थे तो उनसे ये बात भी की होगी, तो क्या रवैया था मुख्यमंत्री? हाँ देख लेंगे, इसके फॉर कुछ नहीं करते थे। हाँ देख लेंगे कहते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं जब भी मिलता था इस बात को उठाता जरूर था। तो आज नौकरी के नाम पर बेरोजगार नौजवान भी ठगा महसूस कर रहा है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी तो शायद भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है याद हो या ना हो, उसके पहले 14 साल का इनको वनवास था उत्तर प्रदेश से। 14 साल तक ये सत्ता में वापस में यूपी में नहीं आ पाए थे जी। और 2017 में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के रवैये से नाराज होकर के बहुत बड़ा जनधार बहुजन समाज पार्टी का वहां पर गया, सभी बड़े छोटे नेता चले गए।
यहां तक कि कार्यकर्ता भी उधर पलायन कर गए, बेरोजगार नौजवान भी पूरी ताकत से लगा था, किसानों ने भी मजबूती के साथ भाजपा को वोट दिया था और नतीजा था कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। लेकिन जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, बारी बारी से उन्हीं को इन्होंने दफन करने की कोशिश की, किसी का संवैधानिक हक मारा तो कहीं किसान विरोधी बिल लाया, कहीं आउटसोर्सिंग माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को ठगी का शिकार बनाया। तो सरकार की गलत नीतियों से कहीं पर हमारे छोटे मध्यम व्यापारी आज भी सड़क पर खड़े दिखाई पड़े, चौराहे पे हैं, आज किसी तरीके से उनकी रोजी टूटी चल रही है। जिनकी इनकम प्रतिदिन 1500 हुआ करती थी, आज 100-200 में निपट जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज छोटा लघु मध्यम व्यापारी भी परेशान, रोजगार नौजवान ही परेशान, किसान ही परेशान, गरीब और पिछड़े भी सबसे ज्यादा शोषण के शिकार। और एक चीज और, सरकारी क्षेत्रों में भी योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, कहीं पर्चा लिखा हो गया, कहीं दो तीन कैटेगरी परीक्षाओं का एक ही पेपर आ गया, तमाम बढ़िया सामने आएंगे, हाई स्कूल पास जिसका जिस सर्विस की क्वालिफिकेशन थी या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन था या पोस्ट ग्रेजुएशन था, सबका एक पेपर आ गया। यानी जो अपना विज्ञापन निकालते उसके विपरीत आचरण, जानबूझ करके सरकार की मंशा यही रही कि नौकरी देने का प्रलोभन तो देते रहो लेकिन सही मायने में इनको रोजगार न मिले। और यही कारण है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई बारी बारी से सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, नौजवानों को नौकरियां तो नहीं मिली लेकिन नौकरियों के नाम पर बेतहाशा पुलिस की लाठियां उनको जरूर खानी पड़ी। ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में हमने देखा, इको गार्डन में बैठे रहे फिर लाठियां पड़ी। लेकिन मौर्य साहब, क्या जैसे यही एक घोटाला, ओबीसी कमीशन ने भी कहा कि गड़बड़ी हुई है, आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि घोटाला हुआ, लेकिन ऐसा ही मामला हम अगर हरियाणा में देखें तो जो जेबीटी टीचर्स की भर्ती हुई थी उसमें घोटाला हुआ और ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ा, तो एक बड़ा मसला बना। लेकिन यूपी में जो विरोधी पार्टियां हैं उसमें उन्होंने इस मसले को उतनी गंभीरता से नहीं उठाया और इसको एक मुद्दा नहीं बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसको और ज्यादा हाईलाइट किया जाता और छात्रों का साथ दिया जाता, सीबीआई जांच या कोई जांच होती तो योगी भी जेल जा सकते थे? देखिए, स्वाभाविक रूप से उसमें विपक्ष को जितना सशक्त आवाज उठाना चाहिए था योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने उठाया। मैं मंत्री रहते समय समय पर सरकार से भिड़ता भी रहा और जब देखा नए जनादेश की बारी है, योगी सरकार को इनके किए गए पापों का प्रायश्चित करने का इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता, इसलिए हमने उन्हीं मुद्दों पर योगी सरकार के खिलाफ अपना इस्तीफा पत्र दिया और उन्हीं मुद्दों पर मैं जनता के बीच में जाने का भी काम किया। पूरे प्रदेश में जनता ने मेरे इस निर्णय का स्वागत किया और साथ ही साथ मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोटों का पोलराइजेशन भी आवश्यक है, इसलिए उसको समाजवादी पार्टी प्लेटफॉर्म पर मैंने इकट्ठा करने का प्रयास किया और भी तमाम गठबंधन पार्टियां भी श्री अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है, चेहरा तो बड़ा लुभाने वाला है और चरित्र बड़ा जहरीला है। यह कह लीजिए कि ये भारतीय अंग्रेज है, बांटो और राज करो,
ये दलितों और पिछड़ों को कई हिस्सों में बांट करके बारी बारी से अपने साथ मिला करके उनको ठहरने काम करती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का पर्दाफाश हुआ, इनके पाप का भांडा फूका, मैंने इनके कार्य कारनामों पर हथौड़ा चटकाया, तो स्वाभाविक रूप से जो दलित और पिछड़े ठगी के शिकार हुए थे उनकी भी आंखें खुली, वो यहां से पलना झड़ना शुरू किया। यही कारण है कि बीजेपी आज बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन दलित पिछड़ों में से कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं मौर्या साहब कि 5 साल वो पाप की हांडी तो आप भी लेके चल रहे थे, लेकिन मैं उसमें मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन मर्यादाओं के तहत अपनी बात रखते हुए कर रहा था। मैं कुंभकर्ण की नींद नहीं सो रहा था, मैं इनके लेखा इनके काले कारनामों का लेखा जोखा का हिसाब तैयार कर रहा था, बही तैयार कर रहा था। और जब वक्त आया, मौका जिसको कहते हैं, जब लोहा गर्म हो तभी चोट, जब तवा गर्म हो तभी हथौड़ा चटकाएं, तो नए जनादेश की बारी आई तो हथौड़ा चटकाने का मौका भी उचित यही था। इसलिए अगर यही निर्णय हम साल भर पहले कर लेते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़े मैनेजमेंट मैनेजर भी हैं, संभलने का मौका मिल जाता, उनको खड़ा होने का मौका मिल जाता। तो आपने जो है कंफ्यूज कर दिया, परेशान कर दिया कि अब क्या स्ट्रेटेजी बनाए आखिरी मौके पे, जब पूरी की पूरी स्वाभाविक रूप से आज हमने इतना इंतजार करने के बाद अपना फैसला जनता ने सामने काम किया, मात्र इसीलिए कि यही फैसला अगर साल भर पहले आता तो बेअसर होता और इनको मैनेजमेंट करने का मौका मिलता। ऐसे समय पर हम दौर चला है जहां ये धराशायी हो गए हैं, इनको मैनेजमेंट करने का भी मौका नहीं मिला, और जितने मैनेजमेंट के लोग थे वो ही बहुत में आ गए हैं, और यहां तक कि जो कभी सालों साल टेलीफोन मिलाने पर बात नहीं करते थे आज वो घर घर पर्चा बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये इनकी बेबसी, ये इनकी हताशा निराशा का प्रतीक है कि जो जिले में एक कार्यक्रम मिलना मुश्किल होता था या मंडल में एक कार्यक्रम मिलना मुश्किल होता था, वो एक एक घर जा रहे हैं। तो आपने घर घर पहुंचा, और घर भी घर आम लोगों घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि जगह जगह जनता उनको खदेड़ रही है, तमाम जगह उनके मंत्री खदेड़े गए, तमाम जगह उनके विधायक खदेड़े गए, तमाम जगह उनके सांसद खदेड़े गए, यहां तक कि बड़े नेताओं को भी जवाब मिलने लगा। इसलिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों के घर जा रहे हैं जनता में दिखाने के लिए कि हम घर घर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो घर किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी उम्मीदवार का है, पदाधिकारी का है, और वो सामान्य जनता घर नहीं। तो आपने जो शिफ्ट किया एकदम एन मोमेंट पे, इसकी चर्चा तो डेफिनेटली हो रही है कि रणनीति ऐसी कि काट नहीं मिली बीजेपी की, जो हिंदुत्व का माहौल था, जो राम मंदिर का माहौल था, आपके आने से सामाजिक न्याय, जातिवाद, जनगणना और आरक्षण और तमाम मसले उसमें जुड़ गए हैं, तो जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो राम मंदिर की मस्जिद की राजनीति है, क्या उसकी काट सिर्फ सामाजिक न्याय हो सकता है? देखिए सामाजिक न्याय, देखिए दो चीजें हैं, जातीय व्यवस्था विषमता की जड़ है, और साथ ही साथ यही जातीय व्यवस्था इस देश के लिए सामाजिक कैंसर भी है जी। लेकिन जहर का इलाज जहर ही होता है, एंटीडोट बनाना पड़ेगा। तो जहर का इलाज भी अगर जहर होता है तो जिस जाति व्यवस्था से जिन्होंने हजारों जातियों को शोषण शिकार बनाया, उन्हीं जातियों को इकट्ठा करके हम इनको भी जमीन दोष करेंगे, इनको भी सत्ता से बाहर करेंगे, इनका भी दिमाग ठिकाने लाएंगे, और जो इन्होंने संविधान को निकलने की कोशिश की, आरक्षण को निकलने का मतलब भारतीय संविधान को निकलने की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के करोड़ों को दलितों और पिछड़ों के लिए
जो आरक्षण की व्यवस्था थी कि हजारों साल से जो उपेक्षित किया गया, जाति के आधार पर जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए हजारों साल तक स्कूल कॉलेज जाना वर्जित था, जिसको सम्मान स्वाभिमान से कोसों दूर रखा गया था, इस आरक्षण व्यवस्था से उन्होंने इन करोड़ों करोड़ दलितों और पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान स्कूल में सामान्य रूप से जाने की व्यवस्था, मन चाहे ओहदे पर पहुंचने की व्यवस्था आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से जी, सत्ता शासन में हिस्सेदारी, तो इस तरीके से इन्होंने आरक्षण को अग्रणी की तरह निकल करके साबित कर दिया कि भारतीय संविधान को भी निकलने की इनकी तैयारी है। अगर समय रहते इनको नहीं रोका जाएगा तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और 80-20 का आचरण जो है इनका देशद्रोही है। नारा देते हैं राष्ट्रवाद का और काम करते हैं राष्ट्रद्रोह का। 80-20 क्यों नहीं, एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ है तो 80-20 में बंटवारा क्यों, एक चीज। और इस 80 को जिसे हिंदू मानते हैं और 20 को मुसलमान मानते हैं, तो सही मायने में ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। क्योंकि अगर ये हिंदुओं की हिमायती होते तो 25% जो दलित है वो भी तो हिंदू है, 54% पिछड़ा वो भी तो हिंदू है। अगर 54% और 25% हिंदू है, यानी 80% या 82% हिंदू है, तो उनकी आरक्षण में डकैती क्यों, उनकी अकुमारी क्यों, उनकी हकमारी क्यों, उनकी अस्तित्व के साथ खिलवाड़ क्यों। तो इनकी नजर में 4-5% हिंदू हैं, या जो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी को हो या देवेंद्र शर्मा की बिरादरी का हो, और किसी को हिंदू नहीं मानते। और इसके साथ ही साथ मुसलमानों से क्यों परहेज, क्या इस देश की आजादी के लिए जहां एक ओर राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, रोशन सिंह जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी और शहादत दिया, तो ही दूसरी ओर अशफाकुल्ला खान ने भी इनके साथ हंसते हंसते देश की शहादत, देश के लिए शहादत दी जी। क्या अशफाकुल्ला खान ने इसीलिए शहादत दिया था कि उनकी आगे वाली आने वाली संतानों के साथ ये देश निकाला की राजनीति करेंगे? यही नहीं, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को ध्वस्त करके मीर अब्दुल हमीद ने जी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया, सबसे बड़ा बलिदान दिया। तो पाकिस्तान के दोनों टैंक को तोड़कर शहादत देने वाले वीर अब्दुल की कौम को, वीर अब्दुल की संतानों को ये देश निकाला की फरमान सुनाते हैं। इसका मतलब है 80-20 का नारा देश के बंटवारे की लड़ाई तय कर रहा है, फिर बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको 2017 के चुनाव से पहले समझ में नहीं आई थी क्या? असली चेहरा तो इनका तब आया ना। असली चेहरा देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी इतना ध्यान नहीं होती थी, और यो कहिए कि उनको बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में बैठने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी तरफ एक और बात कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसमें विपक्ष बहुत सशक्त था, इस समय विपक्ष कमजोर था, केंद्र और प्रदेश में सरकारें थी, प्रचंड बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत था, मनमाना करने का इनको पूरा पूरा रास्ता मिल गया, और इसीलिए इन्होंने जहर बनाना शुरू कर दिया, देश के बंटवारे की लाइन खींचना शुरू कर दिया। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह के नाम पर यह राष्ट्रद्रोह के आते चलना शुरू कर दिया, और इसीलिए मैंने कहा इस जहर की काट 80-20 जैसे जहर की काट 85 और 15 है, तो ये मैंने नारा दिया 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा आ रहा है, क्योंकि 15 में भी बंटवारा इसलिए कि मैंने देखा कई ऐसे मौके आए
एक गोरखपुर के होटल में व्यापारी की योगी की पुलिस ने हत्या कर दी। वो व्यापारी भी तो व्यापारी था, व्यवसायी था, वैश्य समाज का था। यही पर योगी जी की बिरादरी के तमाम बड़े बड़े माफिया, नामी ग्रामी माफिया खुला छूट रहे हैं, उन पर कोई हाथ नहीं लगा रहा है। कानपुर में एक ब्राह्मण समाज का माफिया था, उसका इंकाउंटर कर दिया। चलिए उसका इंकाउंटर क्या बात समझ आती है, उससे मिलने जुलने तमाम ऐसे निर्दोष लोगों को भी आज जेल में रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो योगी की दादी के नहीं थे। यही नहीं, साथ ही साथ आज ये योगी जी अपनी बिरादरी को छोड़कर सभी बिरादरी को दरकिनार करने की कोशिश में है। अभी उत्तर प्रदेश में एक दिन मैं डीएसओ की सूची दे रहा था, जिसमें कुल 48 डीएसओ केवल योगी जी की बिरादरी के थे, 26 डीएम भी ठाकुर। तो अब एक बिरादरी के अगर इतने डीएम वो डीएसओ हो रहे हैं, और उसके बाद 19 डीएसओ थे समता ब्राह्मण समाज के, मतलब 38 डीएसओ केवल मुख्यमंत्री बिरादरी के, 19 डीएसओ ब्राह्मण बिरादरी के। तो जबकि 36 से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है, तो ब्राह्मण होता तो समझ में आता कि उनको आगे रखा, उनको भी उन्होंने उनकी भी खटिया खड़ी करने की कोशिश की। तो इसीलिए मैंने कहा तो ब्राह्मण खिलाफ जाएंगे, इसी में मैंने कहा कि 15 में भी जो उनसे पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। वही में जो भी इनके जो जाति अत्याचार के शिकार हुए हैं, जो भी योगी के तानाशाही रवैये के शिकार हुए हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। सवर्ण समाज पे काफी ध्यान दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र का सपना, राम राज का सपना, और इस देश को जो भी आरएसएस की विचारधारा है उस पर जाके एक राष्ट्र बनाना, सवर्ण ब्राह्मण समाज वो सपने को छोड़ के आपके साथ आएगा? देखिए दो चीजें, आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज में पैदा हुए थे, उन्होंने ब्राह्मण भाग पर जितना जम करके हमला किया जी, शायद कोई दलित और पिछड़ा भी नहीं किया। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन कार्यकाल में हमारा साप्ताह पढ़ा था बीएसयू के पाली भाषा के हेडवार्ड गवर्नमेंट प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी से, वो भी ब्राह्मण बात पर हमला करते थे। ब्राह्मण में भी ऐसे तमाम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का सबसे पढ़ा लिखा है, इसे तो समाज को नई दिशा देनी चाहिए, लेकिन तमाम कुरीतियों, छुआछूत, पाखंडवाद, ढोल ढकोसला के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में सबका शोषण किया। तो जो ईमानदार प्रकृति के लोग हैं, हमने एक अपने जमाने के प्रोफेसर का ध्यान दिया, वो भी बीएचयू के पाली भाषा के हेडवार्ड गवर्नमेंट प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी का, एक राहुल संस्कृत जी का, और इस तरीके से नहीं, अनेक ऐसे विचारक हैं ब्राह्मण समाज में जो जिनकी सोच वैज्ञानिक है, प्रगतवादी है, ढोंग ढकोसला पाखंड से दूर रहने का संदेश देते हैं, और साथ ही साथ भारतीय समाज की जो मनसा है, समतामूलक समाज की स्थापना, समाजवादी सोच यानी समानता के साथ खड़ा होना, वो तमाम जो सही माने में विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान है, वो इसके परिजन है। तो इसलिए हम किसी भी कौम को गलत नहीं मानते, हर कौम में अच्छे लोग होते हैं, जो भी अच्छे होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। छत्तीसवाड़ी कर्ताओं में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है, एक योगी जी हैं जो आरक्षण को अभी निकल रहे हैं, एक
इस देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी जी। तो ऐसे भी लोग हैं हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, कहीं राहुल संस्कृत त्यान जैसे लोग पैदा हो जाते हैं तो कहीं बीपी सिंह जी भी जैसे लोग हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले हर वर्ग, हर समाज, हर कौम में, तो उन कौम वालों पे बसपा अध्यक्ष मायावती जी की भी नजर है। ब्राह्मण सम्मेलन हुए, सतीश मिश्रा जो है पूरा यात्राओं पे निकले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर जो बीजेपी से नाराज है, जो सवर्ण वोटर नाराज है, वो हमारे साथ आएगा। 2007 वाला समीकरण बनाए हैं, दलित ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएंगे, उनको कैसे देखते हैं? देखिए मनिया बहन जी क्या कर रही है, पूरा देश देख रहा है। वो किसी को भी मिलाए लेकिन अपनी पूंजी को छोड़ के नहीं। उन्होंने दलितों को छोड़ दिया, पिछड़ों को छोड़ दिया, जो दलित पिछड़े उनके आधार थे उनकी अनदेखी कर दी, सत्ता शासन से बाहर कर दिया, और साथ ही साथ एक तराजू पर सबको तोलती हैं। एक तराजू पर ही राज परिवार का है या बड़ा थैलीशाह है या हमारा घोरू कटारू सुमारू मोरू समाज का अंतिम व्यक्ति है, एक तराजू पर तोलने का काम करती है। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा गंधार खत्म हो गया। जो चार चार बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज दहाई में उसके आंकड़े आ गए, और यहां तक कि अब तो 10 के नीचे उनके जाने की तैयारी है। तो ये केवल उनकी गलत सोच के नाते, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर और मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बहन जी चलती होती तो शायद हम भी आज बहुजन समाज पार्टी में पड़े होते। लेकिन वो दलितों और पिछड़ों को छोड़कर अन्य पूंजी को पकड़ने के चक्कर में अपनी पूंजी गवा दिया उन्होंने। लेकिन आंकड़े अलग कह रहे हैं, उनका जो जनाधार है, वोट शेयर है, वो तो कम नहीं हुआ। अगर दलित वोटर नाराज है तो वो गया कहां? आप देख लीजिए कितना कम हो रहा है भाई। जो पूर्व मोहम्मद की सरकार बनाया हो, अगर 19 विधायक तो कन्वर्ट नहीं, अगर वो 19 विधायक अगर हुआ है तो क्या उनका उद्घाटन नहीं? आप पूरा का पूरा मोस्ट बैकवर्ड बहन जी के साथ था, बहुजन समाज पार्टी में था, सभी दलित मोस्ट बैकवर्ड और सभी दलित बहन जी के साथ थे। अब सभी दलित साथ छोड़ दिया, केवल एक जाति विशेष में भी बंटवारा हो गया, उसमें भी करीब 50% लोग कहीं ना कहीं चले गए, 50% बचे हैं। पूरा मोस्ट बैकवर्ड की जाति उनसे हट गई, जो उनकी पूंजी थी अपनी पूंजी गवा दिया, अब थोड़ी पूंजी के लिए पूरी जान दे रही। तो अपने घर में आग लगा करके दूसरे के घर में स्वर्ण ढूंढना ये बुद्धिमानी नहीं। आपने जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो आपने मन से ये बात बोली कि मैं जहां जाता हूं वहां सरकार बनाता हूं। बीजेपी के साथ गया तो सरकार बनाई, बहन जी के साथ गया सरकार बनाई। उस पर बहन जी ने प्रतिक्रिया दी कि वो कौन होता है मुझे बनाने वाला, उसको तो मैंने बनाया हूं, कभी अपने आप से एक चुनाव नहीं जीते। नहीं, वो सही है, वहां बनाया मुझे, उन्होंने मुझे बनाया जब जब सरकार में मंत्री रहा, संगठन में कभी उपाध्यक्ष रहा, कभी महामंत्री रहा, कभी अध्यक्ष रहा, कभी राष्ट्रीय महासचिव रहा, विरोध में भी तीन तीन बार नेता प्रतिनिधि रहा, उन्होंने बनाया, इसको मैं इंकार नहीं करता, ये उनका भ्रपना है। लेकिन अब पिछले वर्ग को जोड़ा किसने था? स्वामी प्रसाद ने ही जोड़ा था, और उसके वज में अगर समय से उन्होंने सम्मान दिया तो ताली दवा हाथ से बचती है। आज स्वामी प्रसाद मोरे हट गए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन जाती? तो इसलिए अगर हम बहन जी के प्रति समर्पित थे, बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित थे, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के प्रति समर्पित थे, लेकिन वो समर्पण की भावना बाबा साहब के मिशन के प्रति और मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के प्रति, बहन जी का समर्पण खत्म हुआ, दलितों पिछड़ों से उनका मोह भंग हुआ, एक सूत्री कार्यक्रम उनका ठान लिया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उसमें 2017 के चुनाव के पहले जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, क्यों छोड़ा, छोड़ने का कारण यही था, वो जो हमारा बेसिक वोटर है इवन दो चमार, उससे भी बिना पैसा लिए टिकट नहीं देती थी। तो जो 25 साल से आपके साथ काम किया है, अपने बीवी बच्चों को घर द्वार छोड़ करके तबाही को देख करके
बहुजन समाज पार्टी बनाने के लिए जिसने जलाते खाई है, जिसने गालियां खाई है, जिसके घरों में आग लगाए गए हो, जिसकी बहन बेटियों के आदमियों के साथ खिलवाड़ किया गया हो, उसको भी आप ट्राली में तोड़ने जा रही हैं, कैसे आपके साथ खड़ा होगा? पंचायत चुनाव में सीधे सीधे प्रमाण चुना दिया कि दलित भी अपने प्रचार सदस्य बनने के लिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा 2.5 लाख जमा करेगा। जो दलित 10-20 हजार में चुनाव लड़ता और जीतता है वो 2.5 लाख काम देगा। लेकिन ये आरोप पार्टी में रहते हुए तो कोई नहीं लगाता, जब पार्टी छोड़ देता तो मैं लगाता भी था और इसमें बात भी करता था। मैं कई बार उनको बात करके घंटे घंटे पर बात करके उनको मिशन की दुआई देकर के हमने इससे मना करने का काम किया। क्या बात करते हैं आप? हो सकता है बहुत से लोग उसमें ऐसे भी थे जो हाँ में हाँ भरते थे, लेकिन मैं मिशन के इंटरेस्ट में जब भी कभी कोई बात खटकती थी बेखौफ में मानिया बहन से समय लेके उनसे कहता भी था, वो सुनती भी थी, लेकिन करती अपने मन की थी। योगी जी भी तो ऐसा ही करते थे, योगी जी को भी वही दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में लोग का सम्मान सर्वोपरि है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार बिगाड़ती है। आपके गठबंधन पे मैं कई लोगों से बात करता हूँ और हमारा क्योंकि अंबेडकर राइट मीडिया है तो दलित बहुजनों से हमारी लगातार बातचीत होती है, गठबंधन की चर्चा है और उसमें एक सवाल उभर कर आता है दलित प्रतिनिधित्व का। मैं ओम प्रकाश राजभर जी का भी इंटरव्यू किया तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि आपके गठबंधन में दलित प्रतिनिधित्व जो है वो पार्टियां अगर देखें तो उस तरह से शामिल नहीं हुई, ये एक आशंका है क्योंकि अखिलेश यादव बदनाम रहे हैं दलितों के खिलाफ फैसलों के लिए, चाहे वो जिलों का नाम बदलने का हो, प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का मसला हो, डिमोशन करने का मसला हो, अगर आपकी सरकार बनी और आपका ये गठबंधन एंटी दलित हो गया तो? देखिए आप जानते हैं जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मैं नेता विरोधी दल था, शायद नेता विरोधी दल की हैसियत से किसी मुख्यमंत्री को किसी ने सबसे ज्यादा घेरा और किसी सरकार को बैकफुट पर लाए कारनामे काम किया तो मैं ही था। और साथ ही साथ मैंने यह भी देखा कि अखिलेश जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो एक मुख्यमंत्री को जितनी मेच्योरिटी होनी चाहिए थी उसमें नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, एक बार मुख्यमंत्री रह लेने के बाद बहुत सी उनके अंदर काबिलियत क्षमता यानी अवेलेबिलिटी भी आ गई और साथ ही साथ कैपेसिटी भी बढ़ गई। और मैं एक उदाहरण देता हूं, प्रमोशन में आरक्षण खत्म अखिलेश जी की सरकार में हुआ था, मैंने विधानसभा से लेकर के करेस्पॉन्डेंस और यहां तक कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री सबसे बात भी किया जी। मुख्यमंत्री से बात जैसे मैंने किया अखिलेश जी चौके, कैसे हो गए? हमने कहा आप मुख्यमंत्री हो, आप जानोगे कैसे हो गए? उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बुलाया मेरे सामने, कहा अभी 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई है और सबका प्रतिदल लिए, जो भी बैठे हो सबको, जो भी निबट हो सबको अपने पुराने पत्र बहाल करिए। यह आदेश मेरे सामने हुआ, मैंने बैठ के करवाया। उन्होंने इसको ऐसा भी किया कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यह काम करवा दिया है बिना मुझसे मेरे संज्ञान में लाए, और उसको स्वीकार भी किया और उस पर रिवर्स भी अधिकारियों कर्मचारियों को पुराने पद पर बहाल कर लिए गए, तुरंत आदेश भी किया। उसमें बहुत से बहाल भी हो गए क्योंकि लाखों की संख्या में थी, बहुत सारे बचे भी, कुछ बच गए थे तब तो भाजपा सरकार आ गई थी, लेकिन उन्होंने तुरंत गलती को एहसास करके उस पर सकारात्मक पहल भी किया। लेकिन भरोसा तो अभी भी मैं कहूंगा कि नहीं, देखिए लोग भरोसा पैदा करना भी बाकी है। देखिए भरोसा पैदा करने के लिए भाई देखो आज हमारे गठबंधन के भी कई नेता हैं, उस समय समाजवादी पार्टी एकला चलो अकेले थी, आज उस गठबंधन में हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, संजय चौहान जी भी हैं, जीएन चौधरी जी भी हैं, 3 तो प्रमुख रूप से गठबंधन में हमारा अपना दल कृष्णा पटेल जी का भी है जी, 4 गठबंधन हो गए,
और साथ ही साथ मैं स्वयं समाजवादी पार्टी में हूं, तो हम सभी लोग मिलकर के जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा है उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में ये चीजें जारी नहीं हो रही हैं कि देखिए अगर हम आते हैं तो प्रमोशन रिजर्वेशन हम लागू कर देंगे और जो भी जिलों के नाम बदले थे उसको हम रीनेम करेंगे, ये सीधा संकेत नहीं दिया जा रहा है, मतलब गोलमोल बात। देखिए कुछ चीजें होती होती हैं क्योंकि जनहित से जुड़े बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको शामिल करना आवश्यक होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार बनने पर किया जाता है। जैसे जब जिलों का नामकरण होता था तो बहन जी उसको एजेंडे में नहीं शामिल करती थी, लेकिन सरकार बनने पर धड़ाधड़ निर्णय लेकर के करती रहती थी। तो निर्णय सरकार बनने के लिए जाते हैं, अब जनहित से जुड़े मुद्दों को घोषणाओं में शामिल किया जाता है। तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो घोषणाओं में शामिल किया वही हो, सरकार बनने पर उससे हट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी समाज राष्ट्र के लिए आवश्यक हो वो सब किया जाता है। आखिरी कुछ सवाल लेंगे क्योंकि इंटरव्यू के समाप्ति की तरफ हम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव में भी वो आ रहे हैं, अभी रैली करने वाले थे वेस्टर्न यूपी में, बोले कि मौसम खराब है मैं गया नहीं, प्रधानमंत्री के आने का क्या असर देखते हैं? देखिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, और किसी प्रदेश का चुनाव केंद्र से अलग होता है। पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली का चुनाव दोनों के अलग अलग मुद्दे होते हैं और दोनों का अलग अलग क्षेत्र होता है। इसलिए यहां पर कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं चलेगा, प्रदेश से का मुद्दा चलेगा। आज किसानों की फसलें योगी जी के छुट्टा जानवर चर रहे हैं, लाखों की फसल चट कर जा रहे हैं, लाखों की फसल चट करा करके 6,000 रुपया सालीना आंसू पोसने दे रहे हैं। भाई क्या मतलब 6,000 का? एक तरफ आप सालों साल भर की पूरी फसल चला ले रहे हैं, लाखों लाख की फसल जानवर चल रहे हैं, आप 6,000 रुपया पकड़ा रहे हो, ये तो उनका मजाक है। जैसे कोई आदमी मुर्दा हो जाए तो कफन डालने के लिए कोई कपड़ा दे जाए, तो ये तो कफन डालने वाला कपड़ा जैसा है। तो स्वाभाविक रूप से आज बेरोजगार नौजवान नौकरी के नाम पर लाठिया खड़ा है, नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? 75 लाख नौकरी देने का वादा किया था योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में, 75 लाख की नौकरी देने के नाम पर गिनाते हैं 4.5 लाख नौकरी दिए, 15 लाख घोषणा क्यों? क्या नौजवानों को लाठिया खिलाने के लिए आपने ये घोषणा पत्र में शामिल किया था? परेशान भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चल रही है? आज आपकी विरोध नीतियों से व्यापारी सड़क पर क्यों आ गया है? आज किसान के विरोध में नीति क्यों बन रही है? ये धीरू भाई अंबानी अंबानी परिवार चलाया है, ये क्या नाम मुकेश अंबानी और अदानी चलाएंगे इस सरकार को? किसान की नीति क्या होगी, किसान की खेती कैसे होगी, अदानी और अंबानी परिवार चलाएगा? किसानों की जो जमीन है जमीर है वो सब गिरवी रखना चाहते हैं किसान बिल के माध्यम से, आगे वापस क्यों लिया? अगर बहुत हितैषी थी किसान बिल तो क्यों वापस लिया? इसका मतलब है आपने अपनी गलती का एहसास किया कि हम किसानों के साथ धोखा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज भारतीय संविधान में खतरा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, योगी सरकार आरक्षण व्यवस्था को निकल रही है इधर की तरह। तो आज मनोहर कांशीराम जी की हमें एक बात याद आती है कि सांपनाथ नागनाथ को मानने के लिए नौनाथ बनना पड़ता है। सांपनाथ नागनाथ जिन दो पार्टियों को कहा था उसमें से एक पार्टी के साथ आप रह चुके हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आप जो हैं अभी अपनी पुरानी जो सीट है पडरौना वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, आरपीएन सिंह कह रहे डर गए आप। देखिए अब वहां 3 बार हम लगातार विधायक थे और 3 बार की जीती सीट हमने छोड़ी है। क्यों छोड़ी है जब वहां आपकी इसीलिए कि स्थानीय स्तर पर कभी कभी कार्यकर्ता कहते थे लगता है अब हम लोगों को कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मंत्री जब तक रहेंगे वो जीतते रहेंगे। तो मैंने कहा कहीं ये भावना कहीं व्यक्त नहीं की, पहली बार आपसे बता रहा हूं,
तो मैंने कहा चलो भाई एक बार स्थानीय स्तर पर लोग लड़े, और जो समाजवादी पार्टी लगातार हार रही थी दो तीन बार से, उस सीट को मैंने चुना कि मैं वहां लड़ूंगा, जीतूंगा, और जो यहां प्रत्याशी आएगा स्थानीय स्तर पर हम उसको जिताएंगे। और रही बात आरपीएम सिंह जी, पार्लियामेंट भले जीत गया हो लेकिन पौना विधानसभा हारे थे। जब उपचुनाव हुआ तो उनकी माँ जी की जमानत जब्त हुई थी। दूसरा चेहरा लाए तो वो बुरी बुरी तरह से हारा। तीसरी बार आरपीएम सिंह जिसको चेहरा बनाए थे वो मुझसे 53,000 वोटों से पीछे था। तो इसलिए आरपीएम सिंह दूर दूर तक कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। हम ठहरे गुरु कतवारू सुमारू मंगारू के मंगरू के परिवार का, जमीन के आदमी हम हैं। वो है राजा साहब, राजमहल में रहते हैं। राजमहल में गरीबों के दरवाजा नहीं खुलता जब तक कि दरबार अनुमत न दे, कोई अंदर जा नहीं सकता। हमारे यहाँ रोजाना हजारों लोगों की भीड़ रहती, मैं क्षेत्र में रहूं तो 1,000 लोगों की भीड़ रहूंगा, और घर पे रहता हूं तो प्रतिदिन यहां भी 1,500 लोगों को मैं मिलता जुलता हूं। तो इसलिए वो राजा साहब को तो मैंने पानी पिला गया है, राजनीति से मैंने उनको बाहर किया है। आज सीधे सीधे ये कहिए कि राजा साहब की राजनीति खत्म होती जा रही थी, यदि वो कांग्रेस में बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हैसियत भी छोटी कर दी है, टिकट भी नहीं दिया, या वो खुद लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे दिवा स्वप्न देखती रहती है, वो आरपीएम सिंह को ला करके उन्होंने सोचा कि हमने बड़ा बहुत बड़ा तीर चला दिया, दबाव बढ़ा रहे थे आपके ऊपर। नहीं, उनके मैं जानता हूं ना कि कौन कितने पानी में है, मैं सबको अच्छी तरह जानता भी हूं, और गाय व्यवहार प्रश्न भी देता हूं। फाजिल नगर में बहन जी ने जो है इलियास अंसारी को टिकट दे दिया सपा के जिला। कोई बात नहीं, बहन जी मुश्किल बहन जी तो इसमें बीजेपी काम आसान कर रही है, इसलिए वो आपको कह रही है, वो आपको कह रही है, वो वाले जो है वो बीजेपी की बी टीम है। वो बी टीम कौन है ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। तो इसलिए बहन जी अपना चादर किसी और को लाने का काम न करें, सब देख रहे हैं, प्रदेश ही अंदर जानती है कि बहन जी किसके लिए काम कर रही है और बहन जी किसके कहने से चल रही। जनता तय करेगी कि कौन किसके कहने पर चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल इंटरव्यू की समाप्ति पर, एक डर बना हुआ है, राम मंदिर बना के हिंदुत्व की राजनीति करके अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर केंद्र से भी बाहर, 22 में योगी नहीं तो 24 में मोदी नहीं, कुछ भी करके जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे, चुनावी गड़बड़ियां और चुनाव के बाद जो हमने बाकी राज्यों में देखा जोड़ तोड़ वो कर लिया योगी जी ने, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए ये हम जानते हैं कि गोरखगंगा के लोग माहिर है, हर प्रकार के तिकड़म भी कर सकते हैं। डीएम पर दबाव बना करके हारने वाली सीट को जिताने के लिए सर्टिफिकेट देने का दबाव बना सकते हैं। बिहार में देखा नहीं, तमाम जगह, यहां पर भी मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यूपी सरकार तमाम जिलों की राजकारियों पर दबाव बना रही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कमी 1-5 हजार से आता है तो उसको जीत का सर्टिफिकेट दे देना, अगर कहीं 3 बजे के बाद कोई 10,000 से आता तो उसको भी जीत का सर्टिफिकेट दे देना। तो उनकी तो सेटिंग सारी तैयार है, तो उनकी ये कड़ी नहीं चलने पाएगी। जनता इतने लंबे मार्जिन से इनको हराएगी कि औंधे मुंह गिरेंगे, सारे तिकड़म, सारे साजिश, सारे चक्रव्यूह ऐसे टूटेंगे कि योगी जी को कहीं अता पता नहीं लगेगा। योगी जी से डर नहीं लगता आपको? वारंट जारी हो गया था आपका पार्टी छोड़ते ही, उधर से मोदी जी कुछ इशारा कर दिए तो फिर देख लीजिए। देखिए एक चीज सुन लीजिए, जब मैं नागनाथ और सामनाथ का जहर निकालने चला हूं तो जहर से डर क्यों? और राजनीति में जो डरने वाला अगर कोई डरा तो मरा। इसलिए आज तक मैंने कभी डर नाम की कोई चीज हमारे पास रही नहीं। मैं सम्मान सम्मान की राजनीति करता चला आया हूं
चलता रहूंगा, एक नहीं हजार नॉन वैलिडेबल वारंट जारी करा दे, ये और भी काम तिकड़म साजिश क्यों ना कर ले, जानलेवा हमला कराने का भी ये पाप क्यों ना कर ले। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब कभी कोई फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, और उनका फैसला वक्त नहीं कभी फैसले से वो पीछे हटते नहीं। जीत की भविष्यवाणी कर दीजिए, कितना नंबर? स्वाभाविक रूप से हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी के बनने जा रहे हैं, और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि सत्ता में आने का दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बहुत बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और जीत का दावा किया है। कहा है कि ना बहनजी सरकार बना पाएंगी और ना ही योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है, किसकी सरकार बनती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको शुभकामनाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इन बातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। साथ बहुत धन्यवाद चौहान जी।